नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं विभावरी दीक्षित और लेकर आई हूं आपके लिए एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की खबरें। निर्माता मधु मंदेना रामायण पर भव्य फिल्म बनाना चाहते हैं। राम और रावण उन्होंने ढूंढकर रखे हैं। वो रणबीर कपूर को राम बनाना चाहते हैं और ऋतिक रोशन को रावण। अपने आप में ये दिलचस्प चुनाव है और दर्शकों में उत्सुकता पैदा करने के लिए काफी है कि ऋतिक रोशन जैसा अभिनेता रावण की भूमिका में कैसा दिखेगा। हालांकि इस प्रोजेक्ट की योजना काफी समय से चल रही थी और अब इसकी विधिवत घोषणा करने का समय आ चुका है। इसी सिलसिले में आजकल रणबीर कपूर और ऋतिक रोशन से बातचीत की जा रही है, जो अबू धाबी में अपनी अपनी फिल्मों को लेकर शूटिंग में व्यस्त हैं। रणबीर कपूर ब्रह्मास्त्र की शूटिंग में तो ऋतिक रोशन विक्रम वेधा की रीमेक पर बन रही फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं। रामायण पर बनने वाली इस फिल्म का निर्देशन नितेश तिवारी और रवि उदयवान मिलकर करेंगे। सोशल मीडिया के जरिए जानकारी साझा करते हुए महेश मांजरेकर ने कहा कि उनकी अगली फिल्म गोडसे नाथूराम गोडसे पर बनेगी। इंस्टाग्राम पर मांजरेकर ने फिल्म का पोस्टर डालते हुए लिखा, जन्मदिन की सबसे घातक शुभकामना। इससे पहले किसी ने हिम्मत नहीं की थी, ऐसी कहानी का गवाह बनने के लिए तैयार रहे। गोडसे का निर्देशन मांजरेकर खुद करेंगे। 1999 में वास्तव से निर्देशन में उतरे अभिनेता निर्माता निर्देशक मांजरेकर इस समय सलमान खान को लेकर फिल्म अंतिम बना रहे हैं, जो 2018 में रिलीज हुई मराठी फिल्म मूलशी पैटर्न की रीमेक है। नवरात्रि उत्सव को देखते हुए माधुरी दीक्षित की डांस एकेडमी ने 2021 गरबा एक्सपीरियंस कैंपेन शुरुआत की है। मशहूर अभिनेत्री का कहना है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए वो डांस विद माधुरी के जरिए लोगों को घर बैठे मुफ्त गरबा सिखाएंगी। एकेडमी 7 से 14 अक्टूबर तक रोजाना एक प्रस्तुति साझा करेगी और प्रतियोगियों को मुफ्त प्रवेश और प्रमाण पत्र देगी। महाविजेता को माधुरी दीक्षित के साथ वीडियो के जरिए एक संदेश देने का मौका भी मिलेगा। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह और बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। दोनों को हाल ही में मुंबई में एक साथ स्पॉट किया गया था। इस दौरान दोनों एक दूसरे के साथ खूब तस्वीरें क्लिक कराते और मजे करते दिखाई दे रहे हैं। युवराज सिंह ने भी इंस्टाग्राम पर करीना कपूर के साथ वाली एक तस्वीर शेयर की है। युवराज सिंह की इस तस्वीर में करीना कपूर के साथ सेल्फी लेते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, यहाँ लिंक क्या है। इसके बाद उनकी पोस्ट पर कमेंट्स करने वालों और रिएक्शंस देने वालों की बाढ़ सी आ गई। इसमें एक नाम युवराज के अजीज दोस्त हरभजन सिंह का भी है। हरभजन सिंह ने ओके का इशारा करते हुए इमोजी को पोस्ट किया। मुंबई में क्रूज पर ड्रग्स पार्टी में एनसीबी की छापेमारी में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को हिरासत में ले लिया गया था। आर्यन को गुरुवार को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। आर्यन की गिरफ्तारी पर स्टार्स की भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हाल ही में ऋतिक रोशन ने आर्यन का समर्थन करते हुए लिखा, ये पल तुम्हारा कल बनाएंगे। अब कंगना रनौत ने इस मामले पर अपनी राय रखी है। कंगना ने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, अब सभी माफिया पप्पू आर्यन खान के बचाव में आ रहे हैं। हम गलतियां करते हैं लेकिन हमें उनका महिमा मंडल नहीं करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि ये उन्हें सीख देगा और उन्हें इसके परिणामों का एहसास भी कराएगा। उम्मीद है ये उन्हें विकसित करे और हो सकता है उन्हें और बेहतर और बड़ा बनाए। जब सामने वाला कमजोर हो तो किसी के बारे में गपशप नहीं करनी चाहिए, लेकिन उन्हें ये महसूस कराना आपराधिक है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। सैफ अली खान हाल ही में भूत पुलिस में अर्जुन कपूर के साथ नजर आए थे। फिल्म के प्रमोशन के लिए सैफ द कपिल शर्मा शो में पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने घर से जुड़ा एक किस्सा साझा किया था। उन्होंने बताया था कि घर का कुछ भी सामान खराब होने पर किरायेदार उन्हें फोन करते थे और इन सब चीजों से वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते थे। सैफ ने बताया कि घर किराए पर देना सच में बहुत बड़ा सिरदर्द है। मैं भी छोटे से मकान का मालिक हूँ। पुराने ख्याल है तो हमने फ्लैट में निवेश किया और अब उन्हें किराए पर दे दिया। फोन आते हैं कि एसी की ये समस्या है और ये लीक हो रहा है। मैं जब कहीं बैठा होता था तो इससे बड़ा परेशान हो जाता था। मैं कहता था कि अब मुझे किसी मैनेजर को हायर करना पड़ेगा। पहले सब कुछ मैं खुद ही करता था, लेकिन इसके बाद मैंने मैनेजर रख लिया था।
एक्ट्रेस काजोल आखिरी बार फिल्म त्रिभंगा में नजर आई थी, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी। अब काजोल को लेकर खबर आ रही है कि वो बहुत जल्दी एक नई फिल्म में नजर आएंगी। इस फिल्म के जरिए वो साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस और डायरेक्टर रेवती के साथ काम करने जा रही हैं। फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी सुजाता नाम की एक महिला के इर्द गिर्द घूमती है, जिसने बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का उसका सामना मुस्कुराते हुए किया है। फिल्म की प्री प्रोडक्शन का काम शुरू हो चुका है और बहुत जल्दी इसकी शूटिंग भी शुरू हो जाएगी। इस फिल्म को सूरज सिंह और श्रद्धा अग्रवाल मिलकर बना रहे हैं। ब्लाइफ प्रोडक्शंस और टेक 23 स्टूडियो प्रोडक्शंस के बैनर तले बन रही इस फिल्म की कहानी समीर अरोड़ा ने लिखी है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स जगत से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।